जनरल अजूब खान वालों बड़े फखर नाल दिते गए नाम उड़ना सिख वजो जाने जाते महान एथलीट मिल्खा सिंह की अज दूजी बरसी है। उन्हों का समुचा जीवन मेहनत संघर्ष से सिरड़ की वह मिसाल से जो सदियों तक मनुखता का राह रोशना दी रहेगी। मुल्क वंड तो पहला वाले भारत के जिला मुजफ्फरगढ़ जो कि हुण पाकिस्तान च है उस तो 10 मील दूर पिंड गोविंदपुरा च जन्मे मिल्खा सिंह ने मुल्क वंड समय अपनी निक्की जिही उमरे ही मनुखी लहू की होली दाते धर्म के नाते नफरत ते जुल्म की इंतहा का मंजर रूबरू देखा। मुल्क के बंटवारे समय मजहब के जहर के नाल अन्ने होए जनूनिया ने उसके मापिया सने दो भैणा अते एक भरा नूं कतल कर दिता सी। अपनी रूह उत्ते अपने दी मौत दे जख्म लैके वह दिल्ली आण पहुंचिया सी जिथे उसनूं कुछ समा रिफ्यूजी कैंप पुनर्वास कैंप ते अपनी भैण ईश्वर कौर दे घर रहना पिया सी। गरीबी दे थपेड़े खाण वाले इस शख्स नूं बिना टिकट रेल च सफर करन दे जुर्म च जेल च बंद कर दिता गया ते उसनूं छुड़वाउण दे लई भैण ईश्वर कौर नूं अपने गहने तक बेचने पए सन। गरीबी ते बेकारी ने मिल्खा सिंह इस हद तक मायूस कर दिता सी कि सन 1951 उसने गलत राह अख्तियार करन दा फैसला कर लिया सी। पर किसी रिश्तेदार दे समझाउण ते उसने फौज च भर्ती लई कोशिश शुरू कर दिती ते अपनी मेहनत ते सिरड़ दी बदौलत चौथी कोशिश च फौज च भर्ती होण दा मिशन पूरा कर ही लिया। मिल्खा सिंह दी पोस्टिंग इलैक्ट्रीकल एंड मकैनिकल सेंटर सिकंदराबाद च होई। इत्थे उसदा बा एथलैटिक्स के नाल पै गया जिस दे बारे वह कुछ भी नहीं जानता सी। दुध ते आंड्या दी खुराक मिलन दे लालच उसने दौड़ां च हिस्सा लैण दी शुरुआत कर दित्ती पर छेती ही दौड़ना उसके लिए जनून बन गया। एक दिन उसने क्रॉस कंट्री रेस च भाग लैंदियां छेवां स्थान हासिल कर लिया ते उसकी चोण विशेष सिखलाई हित कर ली गई। मिल्खा सिंह ने कहा सी कि मैं दूर दराडे दे पिंड तो आया पेंडू मुंडा सां ते मैनू एथलैटिक्स जां फिर ओलंपिक बारे कुछ भी नहीं पता सी। उधर सन 1956 ओलंपिक खेडा दे 200 ते 400 मीटर दे दौड़ मुकाबले च भाग लैंदे मिल्खा सिंह दी मुलाकात प्रसिद्ध दौड़ाक चार्ल्स जेनकिंस दे नाल होई जिसने उसनूं वधिया सिखलाई लैण दे लई प्रेरिया अते वधिया अथलीट बनन दे कुछ गुर भी दसे। उसदे सुझावां नूं पल्ले बन के मिल्खा सिंह ने रजमी मेहनत कीती ते सन 1958 च उसने कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिता। इस तों बाद उसदा जित्तां दा सुनहरी सफर लगातार चलदा रहा। सन 1958 दीआं एशियाई खेडां च 200 ते 400 मीटर दौड़ मुकाबले च उसने सोन तगमे हासिल किए ते उस साल दीआं कॉमनवैल्थ खेडां च भी सोने दा तगमा हासिल किया। साल 1962 दीआं एशियाई खेडां च 400 मीटर ते 400 मीटर रिले रेस च उसने सोने दे तगमे जित के देश दा नाम रोशन किया। सन 1964 दी गल कीती जावे तां कौमी खेडां च भी वह चांदी दा तगमा हासिल करन च सफल रहे सन। लगभग 40 सालों तक वह आजाद भारत च कॉमनवैल्थ खेडा च सोन तगमा हासिल करने वाले इकलौते खिडारी रहे सन। 2014 च विकास गोड़ा ने सोन तगमा हासिल करके उसकी बराबरी की है। सन 1960 की ओलंपिक खेडा च मिल्खा सिंह बहुत ही फसवें मुकाबले चौथे नंबर का जेतू रहा सी जदों कि पहला स्थान हासिल करने वाला ओटिस डेविस जर्मनी के कार्ल कॉफमैन तो 1 सेकेंड के 100वें हिस्से जेतू हो निपड़िया। मिल्खा सिंह का ब्याह सन 1962 च वालीबाल चैंपियन खिडारन निर्मल कौर के नाल होया सी ते उन्हां दे घर 3 धीआं ते 1 पुत्तर ने जन्म लिया सी। मिल्खा सिंह दा पुत्तर जीव मिल्खा सिंह गोल्फ दा संसार प्रसिद्ध खिडारी है। उन्हां दी धर्म पत्नी निर्मल कौर जो कि करोना दा शिकार हो गई ते 13 जून 2021 नूं इस जहान तों चल बसी। उस तो ठीक 5 दिन बाद 18 जून 2021 दी रात नूं मिल्खा सिंह भी जहान नूं हमेशा दे लई अलविदा गए। सन 1958 च भारतीय फौज वल उन्हां नूं JCO बना दिता गया सी ते नौकरी तो बाद उन्हां नूं पंजाब सरकार ने खेड निर्देशक दा अहुदा दे के नवाजिया सी जिथों वह 1998 च सेवा मुक्त होए सन। 2013 च उन्हां ने अपनी धी दे नाल मिलके स्वै जीवनी द रेस ऑफ माई लाइफ लिखी जिस नूं आधार बना के बॉलीवुड के फिल्मकार राकेश ओम प्रकाश मेहरा वालों फरहान अख्तर नूं लैके मिल्खा सिंह की जीवनी ते फिल्म बना दिती जो सफलता दे रिकॉर्ड कायम करती हुई 100 करोड़ तो भी वध की कमाई करन च कामयाब रही। इस फिल्म नूं सब तो लोकप्रिय फिल्म होण दा कौमी अवार्ड भी हासिल होण दे नाल नाल IIFA संस्था वल्लों 2014 च 5 पुरस्कार दे के सन्मानित किया गया। उधर मशहूर मैडम तुषाद म्यूजियम च भी एक मोम दा पुतला भी मिल्खा सिंह दा स्थापित किया गया। 1958 च सरकार ने पद्म श्री सन्मान दे नाल सन्मानित किया पर कुछ निजी कारणों करके 2001 च दिते अर्जुन अवार्ड नूं लैण तों उन्हां ने मना कर दिता। गौरतलब है कि उड़ना सिख मिल्खा सिंह की अज दूजी बरसी है पर उन्होंने स्थापित किए कीर्तिमान अज भी लोगों के चित चेत्या च ने ते उन्होंने बनाए रिकॉर्डा कोई भी तोड़ नहीं सकिया। मिल्खा सिंह की कहानी उन्होंने नौजवानों भी सबक दिंदी है जो एक हार तो बाद हौसला छड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।
पंजाबी लोक चैनल।